हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट। अभी एक नया क्रैश कोर्स है, आई होप आपको पसंद आया होगा। जो भी मैंने वीडियो डाले हैं आप अच्छी तरह से, मैं बताता हूँ आपको कि जो भी वीडियो डाले उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको आ जाएंगे जो ये वीडियो देखे होंगे। तो सपोज़ के OSI लेयर है, तो OSI लेयर मैं लेयर वाइज समझाता हूँ आपको, तो वो आप वहाँ पर लिखोगे तो ईजिली पास भी हो जाओ और अच्छे मार्क्स भी आएंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज वो जो चैप्टर नंबर 2 है एज़ पर योर करिकुलम एप्लीकेशन लिया, बट मैंने यहाँ डाला है एप्लीकेशन 4। जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसी सीरीज़ में आप देखिएगा, तो क्योंकि आपको वहाँ से रिदम में आएगा, मीन्स वन बाय वन इजीली पता भी चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन लिया। तो एप्लीकेशन लेयर दिस इज़ द टॉप लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल एज और OSI और OSI मॉडल, सॉरी ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है, जो मैंने क्रैश कोर्स इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसमें 3 चैप्टर आते हैं। पहला है प्रेजेंट, सॉरी 3 लेयर आता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एज वेल एज सेशन लेयर। जो सेशन लेयर है वो सेशन मेंटेन करता है, मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह जो भी डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो उसको मैनेज करता है, एज वेल एज जो भी आपकी सीक्रेट की और प्राइवेट की जो भी डिक्रिप्ट होता है और इंक्रिप्ट होता है, तो उसे मेंटेन करने का काम सेशन की का है। और जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है एज़ पर योर यूज़र रिक्वायरमेंट, जो आपकी स्क्रीन पे आप जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको डेटा उस फॉर्मेट में ला के देना है, राइट। तो उसे बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो अभी आ रहा है आपका वेब एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें 2 टर्म्स है, पहले वेब एज एंड एक्टिविटी। तो वेब क्या है, तो आपकी जो कोई भी वेबसाइट है वो आप रन कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, वो तो ऐसे आ नहीं रही है। और जो HTTP है, तो HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मीन्स ट्रांसफ़र द टेक्स्ट ओवर द वेब, राइट। तो कोई सर्वर पे आपने कोई डेटा स्टोर किया है एस वेबसाइट क्रिएट करके, राइट, तो उसे आपको रन करना है ओवर द इंटरनेट, तो आप कैसे करोगे, तो थ्रू वेब के साथ ही होगा। मीन्स एक सर्वर पे आप वहाँ पे स्टोर कर देते हो, उसका कोई IP एड्रेस है तो आप वहाँ से वेब एक्सेस कर सकते हो। सेकंड है ईमेल। तो ईमेल में क्या है, तो आप जो भी ईमेल सेंड करते हो तो वो कैसे होता है, मीन्स या तो आप यहाँ से सेंड करते हो उसका पर्टिकुलर कोई डोमेन होता है @gmail.com लाइक दिस, तो आप वहाँ से ईमेल सेंड कर सकते हो। तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है ईमेल में, बेसिकली वही होता है कि आपका जो भी डोमेन है वो सही होना चाहिए और जो ईमेल एड्रेस एज पर रजिस्ट्रेशन जो किया हो वही होना चाहिए। नेक्स्ट है DNS डोमेन नेम सिस्टम। तो वो क्या है, सपोज़ मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि गूगल है, राइट, www.google.com, और मेरी वेबसाइट है www.dgmit.ac.in। अभी उसको ऐसा दिया गया हो नाम 72.168.1.225, तो आपको याद रहता नहीं रहता, या किसी भी कोई वेबसाइट का कोई भी IP एड्रेस आप देते हो तो याद नहीं रहता। तो उसे क्या किया है, डोमेन नेम ने एज़ पर दी यूज़र रिक्वायरमेंट उसका जो भी नेमिंग है IP एड्रेस, तो उसे आपको कन्वर्ट किया है यूज़र लैंग्वेज में, मीन्स जो भी हमारी इंग्लिश मीन्स अल्फाबेटिक जो न्यूमेरिक वैल्यू है मीन्स उस कैरेक्टर में। तो DNS क्या करता है, तो आपको प्रोवाइड करता है वेब एड्रेस, राइट, एज़ पर दी रिक्वायरमेंट, मीन्स सपोज के आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको .org में देता है, अगर आपको .india में है तो .in भी देते हैं, USA में है तो .com भी देते हैं, लंडन है तो .UK की जो डोमेन आता है, तो उस तरह से DNS आपको वहाँ पे शो करता है वेबसाइट का नाम। नेक्स्ट है DHCP, जो आपको यूज़ होता है ऑटोमेटिक IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो उसका पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वो DORA नाम की जो प्रोसेस है उस पर काम करता है, मीन्स DORA, राइट। तो D का मतलब है डिस्कवर, O मीन्स ऑफर, और R मीन्स रिक्वेस्ट, एंड जो A है उसका मतलब है एक्सेप्ट और एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो वही यूज़ हो रहा है DORA प्रोसेस जो DHCP में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है FTP फायर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो 21 उसका पोर्ट नंबर है, मीन्स आप अपने जो PC है नेटवर्क में आप उसे लोकल सर्वर करके आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उससे 2 तरह से यूज़ होता है, पुश और पॉप, राइट। जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आप सेंड करते हो तो आपका जीमेल में से जीमेल में जाता है, दैट मीन्स वो पुश होता है, राइट, मीन्स सेंड करते हो। और पॉप मीन्स अगर सपोज़ आपको वहाँ से सेंड करना है जीमेल में से और आपका जो टारगेट मीन्स डेस्टिनेशन ईमेल एड्रेस है याहू है, तो वो पॉप करके यूज़ करेगा, मीन्स आपको वो कन्वर्ट करेगा, फाइंड करेगा कि याहू सर्वर कहाँ पे है और उसमें ये ईमेल एड्रेस है कि नहीं, देन यू विल सेंड द मैसेज। और लास्ट में टेलनेट है,
टेलनेट जो है वो आपको रिमोटली रिसोर्स एक्सेस करने में मदद होता है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन लेयर। अगर आपको कुछ टॉपिक या टर्म्स पता नहीं हो तो आप कमेंट या कोई सजेशन में मेल भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।